है और एक घर बने हुए हैं, ये देखो। इसके प्राइस क्या है इन घरों के? हे गाइस, हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत लख लख बधाइयां तुहाडी सारी फैमिली नूं, मेरे वालों, मेरे चावला फैमिली वालों, तुहानूं सारे लोहड़ी दियां बधाइयां हों। तो हैप्पी लोहड़ी गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे होंगे। और आज का ब्लॉग बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे पंजाब की आन बान शान के साथ लोहड़ी आ चुकी है। हम सेलिब्रेट करेंगे सारी गली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड दीदी, जीजू एंड अकर सबके साथ करेंगे लोहड़ी सेलिब्रेट और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज, नहा धो के हम सब रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं, सबसे मिलते हैं। मम्मी अभी आए नहीं, दीदी जीजू सब आ चुके हैं, एंड श्रेया भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ जाएंगे और फिर करेंगे हम लोहड़ी सेलिब्रेट। बहुत ही पंजाबियों में बहुत सबसे अच्छा मतलब लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है, हमारे पंजाब की शान है लोहड़ी। तो आपको भी दिखाते हैं और देखो। और मुझे, हाँ सच, कई लोग कहते हैं यहाँ की अमृत विहार की वीडियो बनाओ, वहाँ पे कैसे हैं प्लाट, कैसे हैं और ये घर बने हुए हैं, ये देखो। इसके प्राइस क्या है इन घरों के? तो जिसने, किसी को भी लेना है तो मैं ओनो का नंबर आपको दे दूंगी, तो प्लीज आप उन्हों से जरूर कांटेक्ट करना। और अंदर की वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करो भर भर के, तो पूरे अंदर की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। ये एंट्रेंस है न्यू अमृत विहार की, अंदर बहुत अच्छे है, कैमरे भी लगने वाले हैं, एम्बुलेंस का भी है, और रेट्स आपको मैं फिर बताऊंगी। मुझे कमेंट करो तभी वीडियो बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी मैं। काफी मुझे फोन आते हैं, मतलब बाहर से ही फोन आते हैं, हमारे रिलेटिव रहते हैं, कहते हैं कि इसका प्राइस क्या है, और जो बने हुए घर है और प्लाट का क्या प्राइस है। तो मुझे सब कुछ पता है, मैंने पता कर लिया है अपने, एक्चुअली मेरे ब्रदर है वो कह रहे थे मैंने लेना है, तो मैंने पता किया है। और भी कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरे हस्बैंड को पूछते हैं कॉल करके कि क्या प्राइस है, तो आपको जानना है, सब कुछ लेना है, तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। तो आप कमेंट करो मुझे, तो इस अंदर जाके मैं आपको पूरी वीडियो बनाऊंगी, यहाँ के ओनर से भी मिलाऊंगी आपसे। आज मिलके आई हूँ, किसी ने घर लेना है तो मुझे कॉल आई थी कि प्लीज मुझे रेट कन्फर्म करके बताओ, तो उन्होंने बता दिया। आपने भी लेना है तो प्लीज कमेंट करना मुझे, तो मैं अंदर जाके पूरा शूट करूंगी। सो चलो आज करते हैं लोहड़ी सेलिब्रेट अपनी पूरी फैमिली के साथ, चलो चलते हैं अंदर। हैप्पी लोहड़ी उत्कर्ष, बोलो उत्कर्ष कहाँ बैठा है गाइस? ये देखो, कार के ऊपर बैठा भी नहीं, लेटा है, ये देखो। मंकी, मेरा मंकी, ये देखो, आ जाओ, हाय कर दो, हाय कर दो उत्कर्ष, हाय कर दो उत्कर्ष। दीदी एंड श्रेया आ चुके हैं हमारे साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, उत्कर्ष भी। हैप्पी लोहड़ी तो बोलो यार, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। इधर आओ, यहाँ बैठो, हैप्पी लोहड़ी। जीजू भी आ गए, गाइस सारे आ गए लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, और हम यहाँ पे गोया इकट्ठा कर, सारी पत्तियां, पाथियां, पाथियां इकट्ठे करने लगे हैं, पाथियां इकट्ठे करने, वो क्या तैयारी हो रही लकड़ों की एंड पाथियों की एंड अखबार की, वो आग जलाने के लिए लोहड़ी के लिए। और अभी धीरे धीरे सारे इकट्ठे होंगे, टाइम हो रहा है 6 बजे, अभी 7-8 बजे तक सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे लोहड़ी सेलिब्रेट। एंड मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, एंड उत्कर्ष की भी ठीक नहीं है, बट मम्मी को हम मिला देते हैं। मम्मी हैप्पी लोहड़ी, मम्मी ठीक नहीं है गाइस, और यहाँ पे लड़ाई हो रही है उत्कर्ष और श्रेया की। क्या हुआ? मुझे फोन किया, मुझे ट्रक देखना है, तो ये दीदी का फोन था, तो मैंने इसको बोला कि दीदी का फोन है तो मत ले, क्या नहीं तो अपना फोन दे, जहाँ पर ट्रक देखना, मिक्की लेके बैठ गया मिक्की। गाइस फिर कैसी फीलिंग कार के साथ? बहुत अच्छी, अमेजिंग फीलिंग है। हम राइड भी करके आए और रात में भी जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए बाहर, जाएंगे ना, जाएंगे ना, जाएंगे, भैया आ जाए, मामू आ जाए, फिर हम सारी फैमिली मिलके जाएंगे, तो देखते हैं रात में कैसी फीलिंग और आती है। बेस्ट वाली रात वाली गेड़ी नहीं हुई, दोपहर वाली गेड़ी हो चुकी है हमारी, मतलब गेड़ी हुई पंजाबी से, गेड़ी का मतलब और भी होता है, गेड़ी नहीं देनी चाहिए, गेड़ी नहीं देनी। जीजू आ जाओ, जीजू एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए वो बिजी हैं,
और भैया गए हुए हैं, पुनीत अभी आए नहीं है, मामू रस्ते में है, वो आ रहे हैं। तो हम वैली हम आ रहे हैं, चाय वगैरह पी ली हम सब ने। और अब साग भी हमारे गाइस साग लेके रखा हुआ बट बनाया नहीं क्योंकि मुझे काटना नहीं आता कुतरना, एंड दीदी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो मतलब शीविंग बहुत ज्यादा हो गई, ठंड लग रही थी उनको, तो इसलिए साग नहीं बनाया। हम बाहर से ऑर्डर करेंगे और शगन ही करना है, वैसे देख लेते हैं और क्या बनाना है। वैसे आपने बोला था वो बनाना है गाजर मटर, फिर आपने मेरे को बोला ही पहले ये बात की थी कि हमें साग खाना है। हाँ पहले हमने साग खाना था ना, अब साग नहीं बना, साग नहीं बना। अगर गाजर मटर खाने तो वो बना देते हैं, उसमें कौन सा टाइम लगेगा। गाजर मटर बना शगन ही करना है, मम्मी खा लोगे, मम्मी का मूड नहीं है गाजर मटर खाने का। नो रिव्यूज, ठीक है ना, बहुत टेस्टी बनते हैं दीदी, बहुत टेस्टी बनाते हैं अपनी गाजर। चलो मेड सड जेडे आंटी है गए वो मसाले बहुत ज्यादा पाते हैं। नहीं नहीं हम लोग बिना मसाले के बनाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी होती है। मम्मी माननी है खा लोगे, देखते हैं गाजर मटर बनते हैं। मक्की की रोटी बननी है ना यार, नहीं मम्मी को सूट नहीं करती, कोई भी नहीं खाएगा, मम्मी को सूट नहीं करती मक्की वाली रोटी तो कोई नहीं खाएगा। yes. नहीं दूसरे बंदे का भी मन करता है ना खाने का, उनकी तबीयत खराब और हो जाएगी मक्की खा के। तो मक्की सिंपल फुलके बना कब बनाते हैं साथ में, नहीं मैं सब्जी बना दूंगी आप लोग फुलके बना देना। ये सही है, देखते हैं कौन क्या बनाता है वो आपको पता लगेगा धीरे धीरे। उसके लिए वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगती है आपको हमारी मस्ती, एंड मिलते हैं फिर, देखते हैं कौन क्या बनाता है। गाइज यहाँ पे भंगड़ा की प्रैक्टिस हो रही है, ये देखो ऑनलाइन क्लास लगी हुई है तीनों की। और कपड़े बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं, मैंने कपड़े संभालने, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी क्योंकि मेरे पैर का मांस फटा हुआ है, मैं नहीं कर सकती इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। गाइज हम गए थे किसी गली गली में ना, अभी 6 महीने वो शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने घर के बाहर अपनी लोहड़ी जलाई थी, तो कहते सभी गली को बुलाया था मत्था टेकने के लिए और हमें प्रसाद मिला है वहां से, तो हम मत्था टेक के आ चुके हैं। बहुत सबसे लेट गए थे गाइज, सबसे लेट वो भी अंदर जाने लगे थे तब पहुंचे हम। और गाइज हम सेम हाँ यार, हम तीनों सेम। दीदी ने थोड़ा डार्क कलर का डाला, इसने थोड़ा सा लाइट, मैं थोड़ा सा डार्क, दीदी ने कुछ ज्यादा ही डार्क कलर का नाइट सूट डाला है बिकॉज। चलो यार हम अपने घर भी जला लेते हैं पहले, सारे कट्टे वो सारे कट्टे हो चुके हैं, हम लेट थे, हम वहाँ पे गए हुए थे, तो अब हम चलते हैं अपने घर। प्रसाद खाओ मूंगफली, तो अब हम चलते हैं अपने घर लोड़ी। गाइस थाली रेडी हो गई है, रेवड़ियां एंड मूंगफली एंड पोहा एंड पॉपकॉर्न एंड ये मुझे पता नहीं क्या है, बट ये रेवड़ियां हैं और ये देसी घी है जो कि जरूर डलता है, तो चलो चलते हैं बाहर। अकाश आ जा बेटा, चलो कर देना निकाले बाहर, लॉक कर लूंगा एक मिनट। मत्था टेक रहे हैं सब, दीदी ने टेक लिया आई थिंक और मृदुल टेक रहा है। गाइस सब लोड़ी का मत्था टेक चुके हैं, अब बाहर सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं और मैं पुनीत का वेट कर रही हूँ, पुनीत अभी तक आए नहीं और मामू भी नहीं आए, मैं उनके साथ ही मत्था टेकूंगी, मैंने नहीं टेका। मैं समोसा खाया, उसकी चटनी इतनी ज्यादा स्पाइसी थी कि लवलीन ने बनाई है, मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। तो पुनीत का वेट कर रही हूँ, बाहर सारे एंजॉय कर रहे हैं एंड डांस कर रहे हैं, सॉन्ग बहुत ज्यादा ऊंची है, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, बन गया तो ठीक है, नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाता है गाइस। चलो चलते हैं बाहर, वेट करते हैं पुनीत का। गाइज ए लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही है, अभी यहाँ पे गिद्दा डालने वाले हैं, करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। बिल्कुल सड़क पे हैं गाइज, हम घर के बाहर आ गया, मैं बस
रणदीप दीदी भैया को मिस कर रहे हो? रणदीप दीदी भैया को मिस कर रहे हो? बोलो भैया आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी आओ, हैप्पी लोहड़ी। यहाँ पे खेल रहे हैं म्यूजिक चेयर, देखते हैं। वन टू स्टॉप। और लड़ाई होगी। स्टार्ट। और ये करेंगे हम स्टॉप। कहाँ है? और ये स्टॉप। सेकंड राउंड स्टार्ट। उत्कर्ष, बीच बीच में उत्कर्ष को देखना। या दीवानी तेरे ठुमके दिमागी। और ये स्टॉप। ये रही काली लवली और मठारू में हेयर स्टाइल कर रही है। मेरे हेयर स्टाइल जच नहीं है कोई, देखते हैं कैसा लगता है। वेट आलो चलो करते हैं पूजा स्टार्ट। सबसे पहले हस्बैंड पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुनीत ने घी वगैरह डाला आग में, पूजा स्टार्ट की। और मैं वेट कर रही हूँ जब आग में पूरा अग्नि को जला लेंगे, फिर हम करेंगे पूजा स्टार्ट दोनों जने। और हम लेने वाले हैं फेरे। बड़ा ही मज़ा आता है गाइस लोहड़ी पे। दोबारा से हर साल में एक बार फिर दोबारा फेरे हो जाते हैं। एक बार मैरिज एनिवर्सरी पे हम मंदिर जरूर जाते तो फेरे लेते हैं, और एक बार लोहड़ी पे फेरे जरूर लेते हैं। कहते हैं कि एक बार शादी होती है, पर हमारी तो हर साल ही शादी होती है, वो भी दो बार। दोनों की तो रिश्ता पक्का हो जाता है बिल्कुल। सब हमें छेड़ रहे हैं कि अब वो लकीरें भी मिटाना दोबारा जो पहली बार में मिटाई थी। कहते हैं हस्बैंड को 6 मिटानी पड़ती है और वाइफ को 1 लकीर मिटानी पड़ती है। मतलब हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, वो दिखाया गया। कहते वो भी मिटाओ दोबारा फेरे लेने हैं। तो आंटी हमें समझा रहे हैं कि लोहड़ी माता को, अग्नि माता को कैसे फेरे लेने हैं। आगे आगे कोई वो है, क्या बोलते उसको, कथा वो बोल रहे थे। वो हमें आती तो नहीं है, मतलब नहीं है। मम्मी कुछ हमें पहले बताते थे, और मतलब लोहड़ी का वो सॉन्ग होता है, वो गाना, कथा कह लो, जो मर्जी कह लो। तो चलो करते हैं फेरे स्टार्ट। ओह माय गॉड, ओएमजी, इतना मजा आ रहा था। चुन्नी पकड़ो, सब कहते दोबारा फेरे लो। सब हमारे ऊपर इतना हंस रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे हम सब। मतलब ये अमेजिंग वाली फीलिंग थी गाइस। मैं वेट कर रही थी पुनीत का। अब पंडित जी आ गए हैं, कहते मैं मंत्र बोलता हूँ, मुझे 31,000 रुपए दे देना। कहते पंडित जी भी आ गए, देखो। कहते हम भी दोबारा कर लेते हैं, यू नो सारे वचन दोबारा याद आ जाएंगे। तो सब हंस रहे हैं, कहते यू नो क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी नहीं याद आ रहा यार, इतनी हिंदी, गूढ़ हिंदी मुझे भी नहीं आती। तो हम चारों ने लिए फेरे दोबारा से। सब ने, दोनों कपल ने याद कर लिए, वो वचन सारे भूलने नहीं है। हमारे साथ साथ एक कपल ने और लिया, टोटल 3 कपल हम हो गए फेरे ले रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग मंत्र बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वो म्यूजिक बहुत ज़्यादा तेज था पीछे, इसलिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ दोबारा से। बहुत इंजॉय किया। कहते एक, दोनों बोलते एक दूसरे को, तू मेरी बात नहीं मानती, वो कहता तू मेरी बात नहीं मानती। तो कहते चलो कोई बात नहीं, वो वचन दोबारा से याद कर लेते हैं कि मैं तुझे खुश रखूँगा, मैं तेरी हर एक बात मानूंगी। वैसे लड़कियाँ मानती तो है नहीं किसी की बात, मानती तो ना अपने बाप की भी नहीं है। आपकी कैसे मानेंगे? एक बार बोलो सॉरी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस। हम आए थे आइसक्रीम खाने के लिए और फ्रेम का बंद है, गाइस रात के बज गए हैं 1 और भाभी को लगी थी बहुत तेज भूख, तो वो खा रहे हैं बर्गर। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, लोहड़ी हो चुकी है ख़त्म, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर करना, लाइक कर।
इसमें हम गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, काफी मजा किया, बर्गर लेके आए, बर्गर खा के आए, आइसक्रीम खाने गए थे बट वो बंद हो गया था, बट मजा बहुत आता है गाइस इस कार में जा रहे हैं वापस घर। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और थैंक यू सो मच पिछले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।